आज उसने यूट्यूब के दम पर अपना मकान बना लिया। अच्छा लग रहा है सच में। ये सारे पर्दे देख लीजिए, तूने जो पसंद करा वो थोड़ी ले रही है, और एक ये लगा दिए। ठीक है, आज का जो ब्लॉग मैं 1 बजे शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग अभी पवन के रूम पर ही रुके हुए थे। पवन की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी इस वजह से। देखो ये गली से जा रहे हैं हम उसकी दुकान पर। ठीक है, ना है बेडशीट वगैरह लेना था, उसकी वजह से रुका हुआ था मैं, क्योंकि बीच में संडे आ गया था तो मार्केट सही खुला नहीं था तो ले नहीं पाए थे। आज मार्केट खुला रहेगा। काफ़ी टाइम के बाद अभी कॉलेज में आया हूँ, अभी हम लोग कुछ काम से आए थे, अभी कॉलेज ही देख रहे थे। यहीं पर मैंने भी पढ़ाई मैंने भी करी थी यही कॉलेज में, और कितनी क्या पढ़ाई कर रखी है। ठीक है, इस टॉपिक पर मैं कभी लाऊंगा ब्लॉग, अभी तो नहीं हो सकता। अभी तो ऐसे ही हम लोग थोड़े काम से आए थे, लेकिन पुरानी यादें ताज़ा हो गई। ये देख लो कॉलेज, यहाँ से और ये विज्ञान भवन है जहाँ अभी हम लोग खड़े हैं ना। ये सब बात तो ठीक है यार, कॉलेज में भी ये सब चलता है। देखो ये पिचकारी वगैरह मारी हुई है, देखो। और मुझे काम है, जैसे बेडशीट वगैरह का भी था ना, बेडशीट वगैरह भी मुझे लेनी है तो उसके लिए भी जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, इनको भी ले लेते, अभी बोल रहे कि हमको भी ले लो। हो गया फिर ठीक है। हाँ आप लोग अपना किसी और का नहीं डाल सकता था, ये खुद का किसी और का डालने का कॉपीराइट क्लेम होता है। सीन हुआ है, फोटो खींच रहे इधर आईफोन से, इनका भी आईफोन ही है, आईफोन XR हमारे पास। ये गाड़ी पर इसकी नहीं है जिसको बताऊं, कोई दिक्कत नहीं, मैं फोटोग्राफर बन गया। और लोग बता दो, और ये पूरा कॉलेज है, विज्ञान भवन है। ये ₹30 दे भैया, बताइए ₹30 दे। फोटो आईफोन ही आती है। ये भैया फोटो का बोल रहे थे कि आईफोन से मेरी फोटो खींच दो, तो फोटो खींच दिए, अभी इनको ऑफिस दे रहे इनकी फोटो, अभी सुनू भाई दे रहे इनको फोटो। और ये देखो ये बाइक रखने का कुछ बना हुआ है। मैं जब था ना तब ये सब नहीं था, ये जो दिख रहा है आपको, मतलब बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है। काफ़ी टाइम पहले मैंने यहाँ पर पढ़ाई करी थी। सामने देख रहे हैं कैंटीन है, कैंटीन। सो अभी हम लोग कैंटीन तरफ जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है वहाँ पर। मैं तेरे वीडियो रोज देखता हूँ, तेरे ब्लॉग रोज देखता हूँ। अच्छा, ये ब्लॉग देखते हैं हमारे। आप यहाँ बहुत अच्छा लगता है, वो तुम्हें भैया है ना। हाँ, मेनू भी अच्छी लगती, भैया भी अच्छा लगता है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत अच्छा लगता है तुम्हारे वीडियो, तुम्हारी मम्मी भी बहुत अच्छी है। अच्छा, खाना वाना बनाते रहते हो। हाँ, नया घर बनाया। हाँ, अभी जस्ट घर बनाया। संतोष भाई अभी नया घर बनाया। हाँ बनाया ना, पहले ईट ईट भट्टी पे काम करते थे। हाँ, वो चला तुम्हारे टिकटॉक भी देखता था। हाँ, टिकटॉक से ही तो ये मतलब हुआ, काफी नीचे से ऊपर आया हो। हमारे लिए तो गौरव की बात है, ये बंदा है ना, अपने वो करता था, मैं देखता था ना। इस बंदे की स्टोरी बताता हूँ, ये बंदा ईट बनाता है, मजदूरी करता था, इसका बड़ा भाई साथ हो गया, फिर 3 महीने बाद इसके पापा साथ हो गए, पैसे थे नहीं, पहला मोबाइल था तो इसलिए हम होता था तो म्यूजिक के लिए नहीं बना पाता था मेरे। फिर धीरे धीरे इसने क्या करा, मतलब नया मोबाइल लिया, खर्चा लेके 9,000 का उसी की वजह से इतनी पॉपुलरिटी मिली।
देगा। आज उसने यूट्यूब के दम पे अपना मकान बना लिया, आईफोन 11 अभी इंदौर जाके उसने आईफोन लिया है ना, और काफी अच्छा रहता है, इसकी मम्मी वगैरह फादर अच्छा ब्लॉग बनाता है। हमारे डिमांड का हो, हमारे क्षेत्र का हो, खासकर तुम हमारे क्षेत्र से हो, कोई भी हमारे क्षेत्र से अगर आगे जाता तो हमारे लिए बोलो बढ़िया बढ़िया, हमको बरान कर रहे हो आप, तो भी आप इंडिया पे आ रहे हो अच्छा लगा यार, नहीं मिलना हो गया ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। तुम्हारा ब्लॉग में शाम को चेक करता हूँ, किसने ब्लॉग डाला कि डाले, उनका टेम्पल ले था ना इसका टेम्पल, उसका भी मैंने कभी देखने को समझ लिया, तुम्हारे वीडियो देखते रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। पूरा मतलब नीचे से ऊपर तक का बता दिया तुम्हें, क्या था कहाँ से शुरुआत करी और कहाँ से कहाँ अभी तक आ गया, तो बहुत अच्छा लगा इतनी सारी जानकारी आपसे सुनकर। जो लोग मतलब जो दूर है ना वो लोग नहीं जानते, लेकिन ये आसपास के लोग हैं ये उनको अच्छे से जानते हैं, जो उसको बोलते हैं ऐसा वैसा भी, उन लोगों से कितना पोलाइटी से बात कर रहे हैं ये लोग, तो आप देख सकते हैं कि अब कितना अच्छा इंसान है वो, और कैसे अच्छे से लोग बनाता है और लोगों को एंटरटेन करता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि हमारा भाई इतने आगे आ रहा है और इतने बड़े स्टार हो हमारे लिए, महसूस नहीं होते बहुत अच्छा, और ऐसे ही कभी भी घमंड नहीं आता बड़ा। नहीं कुछ लोग हैं ऐसे जो मतलब सौ में से एक या फिर दो लोग ऐसे होते हैं जो बेहतर है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब स्टार हमारे बीच में बैठा है, और चाहे हमारे लिए तो बहुत गौरव के छा रहे हैं और अच्छा लग रहा है। तो अभी व्यूज आते हैं इनके, ये सब्सक्राइब भी अच्छे खासा है, अच्छा है, और सभी देख चाहती हूँ घर बना के यार, इससे बड़ी बात क्या है बता तुमको, मैं बीए एमए एमएससी कर रहे हुए तो बेरोजगार हूँ। आज एक एक तरीके से तुमने रोजगार अपने दम पर हासिल किया, अपनी मेहनत से हासिल किया, तुमने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी, आर्थिक स्थिति ठीक होने के कारण तुमने पढ़ाई छोड़ी, आज पता तुमको तुमने अच्छा क्या पढ़ाई छोड़ी, आज यहाँ पर पढ़े लिखे लोग बेरोजगार होंगे, 4-5 हज़ार रुपये महीने की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आज तुम खुद के बलबूते पर एक अच्छा यूट्यूब पर स्टार बन गया, आज सैलरी आने लगे, मैंने मजदूरी करते कमा खा रहे थे, परिवार को खाल पड़ते हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आज देखिए अपना खुद का खर्चा नहीं लगा पा रहा है, इतनी महंगाई हो गई, लेकिन इस महंगाई के बीच में भी आपने अपने दम पर इतनी उपलब्धि हासिल करी और इतने आगे बढ़ रहे हो, तो हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है और बहुत अच्छा लग रहा है, सच में बहुत अच्छा। मेरे पास शब्द नहीं आपके लिए कहने के लिए, बहुत शब्द कम पड़ रहे हैं, हाँ सच में शब्द कम पड़ रहे हैं, क्योंकि आज की स्थिति को देखते हुए तो बेरोजगारी चरम सीमा पर आ गई है, इसलिए ना तो हमें तो अच्छा लगा कि आपने तरीके से रोजगार हासिल किया, और प्लस में आपने अपने दोस्तों को भी वहाँ रोजगार दिया, आपका एक भाई भी है जिसके साथ घर आप कर गए थे, वो भी यूट्यूब पे ब्लॉग बनाने लग गया है, भाई को कजन को फिर साथ में कुछ दोस्तों को भी मतलब इसी लाइन में तो उनको भी रोजगार मिलने लग जाएगा, तो सही है ना भाई, अमीर कब तक कमाएगा, अमीर अमीरी बनते जा रहा है, गरीब को ऊपर आएगा, लेकिन तुम्हारी तो तारीफ करने वाले अच्छे लोग इतने हैं, तुम्हारे साथ जुड़े हुए कि बुरे लोगों को कोई गिनता ही नहीं, देखता ही नहीं, बुरे लोग एक काम करते हैं पीठ पीछे अपनी ताकत मतलब 50% करते हैं वो फ्री में बिना सैलरी के, और हमारी गलतियाँ भी बताते हैं कि हाँ मैं ये गलती कर रहा हूँ, चलो मैं इसमें सुधार करता हूँ, गलतियाँ भी बताते हैं, लोगों को कभी भी नेगेटिव नहीं लगा, पॉजिटिव लेना, हाँ वही कर और बुराई कर, जितनी ज़्यादा बुराई करेगा उतना अच्छा मैं निखरूंगा, उतना आगे जाऊँगा, मैंने देखे ना कि 4,000-5,000 इंस्टाग्राम पे उनके फॉलोअर्स हो जाते हैं, तो अपने आपको सेलिब्रिटी समझने लग जाते हैं, ऐसा होता है, ऐसा जमीन से जुड़े हो क्योंकि आगे नहीं पाएगा, वैसे ही हो रहे, फोटो आ जाए तुम लोगों के चलो ठीक है ना, ठीक है, जब खबर आता हूँ तो सोचता हूँ कि गला ले लेता हूँ, जो भी ये गोवल्स ज़्यादा ना मुझे इंग्लिश में
ना थोड़ी इंग्लिश बोल रहा हूँ, चश्मे बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, ठीक है तो देख रहा था और मुझे ना ये बेटर लग रहा है, आप लोग बताना कैसे क्या, ठीक है पहन के देखता हूँ कैसा लग रहा है, बताना। नाइस, ऐसा बहुत अभी वीडियो बन रहा ना, आपको देख लेता हूँ। जम तो रहा है, ब्रज आया हम तीनों ने, मतलब पसंद करा, तीनों की पसंद एक एक सबकी पसंद निर्मा होती है, लेकिन हमारी पसंद ये सब ये फाइनल कर लेते हैं, पूछते करने का आएगा। सब्सक्राइबर भी मिल गया भैया, देखते हैं ना, हाँ ये देखते हैं भैया। सो गाइस अभी ना ऐसे अचानक से हमारा ना मूड थोड़ा चेंज हो गया था, हमने सोचा थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते क्योंकि बहुत जल्दी मुंबई जाने का प्लान है हमारा, इसी के हिसाब से थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के साथ देख रहे थे। कल मैंने कुछ ट्राई करा है, मैंने हुडिया तो पहनी हुई वैसे, ठीक है, लेकिन जो नीचे का है ना ये अभी फर्स्ट टाइम ट्राई करा मैंने, सभी देख के बताइए कैसा क्या लग रहा है ये, बट मैं अपने आप को जैसे कांच में देख रहा हूँ ना, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है आज तक, ऐसे फीलिंग में ऐसे मतलब वैसे पहले नॉर्मल कपड़े पहनते थे, आज कल अच्छा ट्राई कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बस जूते की कमी है ना, क्योंकि सिंधु भाई को ना बहुत नॉलेज है मुंबई में रह चुके हैं ना इस वजह से। नहीं मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन अच्छे लग रहे तुम देखो कपड़े जम रहे हो दोनों के दोनों, अच्छा लग रहा है, ओए दोनों तुम ले लो, अच्छा लग रहा है दोनों पे जम लिए। थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लिए, देखो बिल वगैरह बनवा लेते हैं, इसके बाद बेड शीट वगैरह भी लेनी है, अब आए हम लोग बेड शीट वगैरह लेने के लिए, ठीक देख रहे हम लोग। और वैसे ये ना मेरा तो पहली बार है, सुनो भाई आपका, मेरा ये दूसरी बार है तेरा, अच्छा इसने बचपन में देखा था, और मेरा तो आपको पता ना कि पहली बार हमारे यहाँ बेड आया, तो मेरा तो पहली बार ही है, तो अभी तो हम लोग चेकिंग करें कि कौन सा बेड शीट लेना चाहिए, ठीक है एक ये वाला ले लेते हैं, और एक मतलब जो जल्दी गंदा हो जाए वैसे तो है साथ में पिल्लो का भी है, हम हमारी भाषा में हम तकिया बोल नहीं रहे, तकिया थोड़ी ना सर, बोल नहीं बोलो तकिया कहाँ बोला था अपने, और अपनी भाषा में निवाड़ी में क्या बोला, उसे थी बोलते रहे उसे थी हम लोग उसे थी बोलते निवाड़ी भाषा में, उसको भी कवर ले थे, मतलब पिल्लो की कवर कुछ ऑर्डर, और साथ में देखो मैंने ये बेडशीट वगैरह तो ले लिए, तो बेडशीट ले लिए तो साथ में वो ओढ़ने का रहता ना वो भी होना चाहिए, वरना फिर गुदड़िया ओढ़ेंगे बहुत ओढ़ ली गुदड़िया, थोड़ा लाइफ में चेंजेस होनी चाहिए, आप लोग भी हमको देखते आ रहे हो तो थोड़ा चेंज होगा ना हमारी लाइफ में, तो आप लोगों को भी खुशी होगी, ठीक है, और फैमिली समय के साथ तो वैसा ही हो रहे हैं, ठीक है, और फैमिली ये सब देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी, सब ये देख रहे ओढ़ने का भी वीडियो में फैला के देख लो इसका साइज सारा बड़ा है, मखमल बेस्ट क्वालिटी तो ठीक है, लेकिन कलर थोड़ा है ना पर्टिकुलर लग रहा है, आंखें देख के ऐसा नहीं लग रहा है अपनी आंखें बंद हो रही, लाइट है ना, ये तो अच्छा लग रहा, थोड़ा छोटा है ना साइज, ऐसे कि अपन जमीन पर भी कभी सोने लगे तो 7-8 जनों अंदर घुस जाओ उसके ये सब फाइनल हुआ, ये किए और ये दो तो पहले ले लिए, तो ठीक है जैसे कि हम दोनों अगर आते हैं ना तो हमको कुछ भाव ताव करते नहीं आता, लेकिन तीनों भाई ने भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी अच्छे से करा क्या, अगर हम रहते हैं ना जितने का बोला ना उतने पैसे दे के चले जाते, हमको हमको नहीं आता, सब इसका हो गया फाइनल, इसका कितना 300 देख रहे जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा ना मुझे पर्दे लेना, ठीक है, तो अभी आप लोग बताना इसमें बेस्ट कौन सा रहेगा, कमेंट करके बता देना, सारी डिजाइन आपको बता देता हूँ मैं, ये देखो ये, ठीक है, ताकि अगली बार आओ ना लेने के लिए तो ज़्यादा मुझे दिक्कत नहीं आएगी, ये सारे पर्दे देख लीजिए, आगे हम लोग कुछ खाने के लिए, अभी तो ये मेनू वगैरह चेक कर रहे हैं, डिसाइड करते हैं कि आखिर खाएंगे क्या,
यहाँ पर कुछ मिलता है इसका नाम क्या है सुनो इसका नाम है पाव भाजी बटर पाव भाजी बटर पाव भाजी ये देखो ये बटर पाव भाजी है बटर पाव भाजी ट्राई करने वाला हूँ पहले खा लेता हूँ पेट भर मतलब अच्छा लग रहा है समय का भरोसा नहीं अगर ज़्यादा लोग खाने वाले हैं ना तो पहले खाने पर ध्यान देना चाहिए ठीक है अब सारा सामान लेके अभी हम लोग आ गए पवन की दुकान पर बहुत सारा सामान बैग में रख दिया फिर ऑयल का डब्बा है फिर ये तीन बड़े बड़े सामान है और एक खाड़ू है फाइनली गाइस अभी तो आ गया हूँ मैं घर ठीक है अभी ब्रश तो जा रहा है ये बाय बाय सब सामान यहाँ पे रख दिया ला के देखो ये कमल को मोबाइल ला के बोल रहा हूँ कवर कैसा लग रहा है पता तूने जो पसंद करा वो थोड़ी लाया मैं उसे तो लिया ही नहीं था उसने 150 रुपये बताए थे ये 80 रुपये का कवर है नहीं अच्छा कल जो बताया था वो थोड़ी लिया अच्छा कैसा लग रहा आप देखो इसका कवर कितना मस्त लग रहा हूँ भाई कांच इसके लिए लाया बट बैग में रखा था टूट गया कांच बाकी सब सामान ले आया हूँ फिर क्या हाल चाल दीदी क्या हाल चाल बढ़िया तन्ना कितने ला दूंगा मैं छोरे को बेडशीट कहाँ से कवर और देखिए मम्मी मेन चीज़ तो वो देखी नहीं आपने अरे ये रही बेडशीट वगैरह ये देखो हटाओ पूरा बेड खाली करो बेडशीट वगैरह लेके आया था अभी लगा ही देते हैं बेडशीट चेक करी कि नहीं आपने कैसी किया नहीं करी देख मम्मी यहाँ पे साफ सफाई करने लग जाए तो ओढ़ने का है ये लगा ये वाला कवर ये वाला लगा तकिया कहाँ से तकिया लाते जरा कैसा लग रहा मम्मी देखो तो बहुत अच्छा लग रहा है तकिया लाने दीदी को दे बहुत बिट्टू सीमेंट ला रहा देखो वाह यार बिट्टू बॉडी बता यार बिट्टू ओ बिट्टू जरा बॉडी बता अरे वाह यार ये बाप लग रहा है यार बेट कैसे हंस रहे हो है ना ये गली जैसा चाहिए दोपहर तक यहाँ पे चाहिए बस हो गया पलटा के रखो उसको उल्टा रखो वहाँ पे सामने अब बैठ जाओ बैठो बैठो मम्मी सब के सब बैठ जाओ सब जाओ बैठो कैसा लग रहा कैसा लग रहा मम्मी अच्छा लग रहा तो सभी को अच्छा लगा ये बेडशीट वगैरह आ गए ना और आप सब भी शिकायत कर रहे थे ना बेडशीट कब लाओगे बेडशीट कब लाओगे तो देखो ले एक जोड़ी ये रही और एक ये लगा दिए ठीक है हाँ ओढ़ने का भी ओढ़ने का भी अरे ओढ़ने का भी सीधो सब दूर से दोनों तरफ सीधो से अब देखो चलो फटाफट बैठ जाओ एक जगह और ब्लॉग का एंड करो फटाफट और कौन करेगा फटाफट करो चलो हो गया रख दो अब यही रखो ना इसको यही रह जाए तो